ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्लॉट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परचेज़ किया है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे और आगे मज़ीद जो है ना बहुत तेज़ी से काम जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको एक जगह पे विज़िट करवाने जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो वहाँ बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ का विज़िट करके आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी और ये सारी डिटेल आपको आगे जाके मैं बताता हूँ कि कहाँ का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ और ये मैंने अचीवमेंट किस तरह ली, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी निकले हैं और रिक्शा लेके निकले हैं और तो रिक्शे में अभी गैस भरवाएंगे और फिर आगे चलते हैं और आगे फिर आपको सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बैठे इकबाल भाई बैठे हैं, माशाल्लाह चाय शाय पी रहे हैं। मिस्त्री इरफान साहब बैठे हैं, जम्मू खा रहे हैं। रेहान साहब बैठे हैं, रेहान साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? आज जम्मू खाए जा रहे हैं। मिस्त्री आज गर्मी में वेले बैठे हैं, वेले बैठो फ्री के जम्मू खा, वेले बैठ के और फ्री के जम्मू खा रहे हैं और गैस भर गई है। अब आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के आज आपको इस व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त डिटेल मिलने वाली है। मैं अभी गाजी रोड पर खड़ा हूँ, ये आप मेरे पीछे कसूर का बोर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं और ये लाहौर कसूर रोड है। यहाँ से अभी कान्हे की साइड की सवारी बैठाते हैं, सवारियाँ बैठाते हैं और आपको आज मैं लेके जा रहा हूँ जिस सोसाइटी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट लिया हुआ है और उस सोसाइटी का आपको विज़िट करवाते हैं और आपको प्लॉट की लोकेशन भी बताते हैं और आप मेरे साथ चले और आपको सोसाइटी का विज़िट करवा रहे हैं। ये साइड कसूर वाली है और ये लाहौर कसूर रोड है। ये सेंटर पार्क का मेन गेट है और मैं इस टाइम सेंटर पार्क के मेन गेट पर खड़ा हूँ और आपको विज़िट करवाता हूँ और अंदर विज़िट करने के बाद उसके बाद आपको सोसाइटी का विज़िट भी करवाऊँगा। ये व्यू है सेंटर पार्क का, जो नया ब्लॉक बना है उस ब्लॉक में अभी काम जारी है। अभी बहुत सारे प्लॉट यहाँ पे खाली भी हैं और यहाँ से ये रास्ता जाता है जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी मेरा प्लॉट है अल हरम गार्डन, यहाँ से ये रास्ता जाता है। तो ये सेंटर पार्क के बिल्कुल साथ ही ये सोसाइटी लगती है। ये सोसाइटी है तकरीबन वहाँ से शुरू होती है, ये सोसाइटी का बाहर वाला बाहर से व्यू है और ये छोटी सी सोसाइटी है और बड़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरी सोसाइटी है। ये सोसाइटी का बाहर से व्यू है, अभी अंदर जाते हैं और अंदर से भी आपको इस सोसाइटी का व्यू सारा दिखाता हूँ। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम पहुंच गया हूं सोसाइटी में अल हरम गार्डन में और यहां पे मेरा प्लॉट है और ये प्लॉट है और आज यहां पे चक्कर लगाने आए थे तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं यहां पे चक्कर नहीं लगाया तो प्लॉट में चक्कर लगा के आते हैं। रोड्स अभी नहीं बने, रोड अभी कंक्रीट ही है और लुक वगैरह नहीं डली, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लुक वगैरह डल जाएगी और रोड पक्के हो जाएंगे। बाकी सोसाइटी सारी तकरीबन भर गई हुई है। तो मेरा प्लॉट जो है वो सी ब्लॉक में है और ये आगे डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक भी काफ़ी डेवलप हो चुका है और
ये इसके साथ ही ये जो टैंकी नज़र आ रही है ये इसके सेंटर पार्क है जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है सेंटर पार्क वाली साइड से ये रास्ता आ रहा है और यहाँ ये सोसाइटी को रास्ता दिया सेंटर पार्क वाली साइड से। तो डी ब्लॉक भी काफ़ी डी ब्लॉक में तकरीबन ये कंक्रीट पड़ गई सड़कें बन गई हैं डी ब्लॉक में और कुछ काम जारी है। डी ब्लॉक भी तक काफ़ी डेवलप हो गया है। ये पे सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक तो फुल हुआ पर है और उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये जिस गली में मेरा प्लॉट है ये वो वाली गली है और इस गली में भी काफ़ी मकान बन गए हैं और ये पीछे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ प्लॉट में लोग कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। ये सारा पीछे ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक ये सारे फुल हुए पड़े हैं और तकरीबन बहुत सारे घर बन गए हुए हैं। तकरीबन चांदी प्लाट जो है ना वो खाली हैं, कुछ पे काम हो रहा है, कुछ अभी खाली पड़े हैं। तो जैसे ही ये सड़कें बनेंगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग घर बनाना शुरू कर देंगे और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द ये सड़कें भी बनने जा रही हैं। उसके बाद रह जाएगा गैस वाला काम, तो फिर अनकरीब यहाँ पे गैस भी आ जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्लॉट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परचेज़ किया है। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे और आगे मज़ीद जो है ना बहुत तेज़ी से काम जारी है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का व्लॉग और ये था आज का विज़िट जो मैंने आपको करवाया और इस सोसाइटी का विज़िट करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने प्लॉट लिया इसकी इसमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी मुझे और किस तरह से ये ख़रीदा और कैसे ये ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे नवाज़ा और मैंने इसको किस तरह से लिया। और ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और छोटी सी सोसाइटी है और बिल्कुल साफ़ सुथरी सोसाइटी है और ना तो ज़्यादा दूर है, ये तकरीबन शहर के बिल्कुल करीबी सोसाइटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस व्लॉग को खूब इंजॉय करेंगे और इंजॉय किया भी होगा। और अगले वीडियो में आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताऊंगा कि आप भी ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या एफर्ट करनी पड़ेगी और आप अपनी जॉब के साथ किस तरह साइड बिजनेस ओपन करके आप किस तरह से ये छोटी छोटी अचीवमेंट हासिल कर सकती हैं। इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शे की कमाई से मैंने ये अचीवमेंट हासिल की और आप भी ये कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर दें और अपनी प्यारी सी राय दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।